अच्छा सर, जब आप होलसेल की बात करते हैं ना, तो मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि जैसे अब प्रोडक्ट पड़ी हुई है 100 यूनिट किसी के लिस्टिंग में आ रहे हैं, तो अगर एक कस्टमर 50 यूनिट्स का ऑर्डर कर देता है तो हमें उसको भेजने में कोई वो नहीं। मार्केट प्लेस के ऊपर एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। प्राइवेट लेबल का मतलब मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि एक बंदा है, लाइक मैं एक डिजिटल वॉच बेच रहा हूँ, ओन मेरा ब्रांड है, मैं ही बेच रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट हैं और ये मुझे कहते हैं कि सर मेरे पास अभी 20 लाख रुपए नहीं है कि मैं आपकी तरह ब्रांड लॉन्च कर सकूं, तो मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं, आप अपने ही प्रोडक्ट्स मुझे दे दें और मैं आपकी लिस्टिंग पर ही बैठ के सेलिंग करूंगा, दिस इज कॉल्ड होलसेल। अब उस लिस्टिंग पे दो सेलर्स हैं, एक मैं एक ये, ठीक है, एक तीसरे साहब भी से मैंने 5 लाख रुपया लिया, उनको भी स्टॉक दे दिया, स्टॉक मेरा ही बेचेंगे वो, ठीक है, लेकिन अब हम तीन लोग बेच रहे हैं, तो जो एल्गोरिथम है वो सेल्स को रोटेट करेगा, जिसके पास बाय बॉक्स होगा उस वक्त का, उस वक्त की सेल्स उसको चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे पॉसिबल है इसके ऊपर, मतलब मल्टीपल सेलर्स एक लिस्टिंग पे बैठ सकते हैं। बिल्कुल, और बाय बॉक्स रोटेट करेगा, बाय बॉक्स मींस एबिलिटी टू सेल, यानी जो एड टू कार्ट का बटन है वो शिफ्ट करेगा, मूव करेगा। एग्जैक्टली। अब देखिए शाम साहब, आपने अपनी बात में एक चीज होलसेल की जब कही, आपके पास स्टॉक ऐसा पड़ा हुआ है जो 5 लाख का आपने दो लोगों में डिवाइड किया, 5-5 लाख का, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट कॉस्ट है, जो आपको एंड कॉस्ट आई हुई है, आप उससे तो ऊपर ही इनको भी दे रहे होंगे ना उस टाइम पे, ऑब्वियसली, लेकिन मैं इनको मार्जिन भी तो दे रहा हूँ, आप मार्जिन दे रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ मार्केट प्लेस के ऊपर भी उसको उस कॉस्ट प्राइस में ये जहन में रखकर बेच रहे होंगे, यार जिनको मैंने माल दी इनसे मैं नीचे बेचूंगा तो मेरा बिकेगा ना, ऑब्वियसली, जब ये बेचेंगे फिर मैं नहीं बेचूंगा ना, हाँ, तो फिर क्योंकि अगर मैं बेचने पे आ गया तो फिर ये मुझे बीट करने की पोजीशन नहीं रखते, बिकॉज ये मेरे से बाय कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो जब आप नहीं बेचोगे तो फिर कंपटीशन इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, तो बाय बॉक्स इन दोनों में से उसको उठाएगा जो लोएस्ट होगा, जो लोएस्ट होगा, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बिल्कुल ऐसे, और पहला प्राइस ही है, सब प्राइस से स्टार्ट होता है ना, तो मशहूर भी प्राइस ही है। वाइज मार्केट पाकिस्तान में ना, एक चीज मैं करूँ सबको, कि कोई किसी किस्म का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास 10 लाख हो, 5 लाख हो तो आप काम शुरू करें। आपके पास 20,000 की कोई ऐसी प्रोडक्ट आप ले आते हैं जिसमें आप समझते हैं कि यार इसके में अंदर मैं स्टार्ट कर सकूँ, तो आप बिस्मिल्लाह करें हमारे साथ। तो स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम, आप मिनिमम से मैक्सिमम पे जाएं इंशाल्लाह।